Hello, 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 everybody. Good morning, everybody. I hope that you all are fine and doing good. Good. So welcome and welcome back to my YouTube channel. So today was 16th of November and I'm start my day with evening 4 o'clock. Actually, you know, मुझे थोड़ा काम था और मुझे कॉलेज भी जाना था. So I'm going to college from some lectures attend करने थे मेरे को, तो कॉलेज गई मैं. Completing my lectures and then come back at 3:30. Then I start 30 minutes rest और नैप ली मैंने, छोटी सी नैप ली. उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट की. सो बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई. तो मॉर्निंग में मैं जैसे 4 o'clock आई, उसके बाद मेरा मोबाइल हो चुका था पूरा डिस्चार्ज और घर पे लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई. सो मैंने ना 4 o'clock टू 7 o'clock मैंने NCERT का रिविज़न किया था विद दिशा पब्लिकेशन बुक एंड NCERT दोनों से. एंड देन 7 o'clock मैं बैठ गई थी अपने लेक्चर्स को अटेंड करने. मेरा 3 दिन हो चुके हैं ये लेक्चर बहुत पेंडिंग में चल रहे हैं. दो लेक्चर्स, एनिमल किंगडम एंड द अनदर वन वॉज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो मैंने सोचा कि जितना जो पता है इतना इसको कंप्लीट करते हैं, बिकॉज दोनों ही लेक्चर जो हैं 5 hours के हैं. मतलब एक लेक्चर 5 hours का है एंड देन दूसरा लेक्चर भी 5 hours का है. तो बेसिकली दोनों लेक्चर्स 10 hours के हो गए और मुझे इसको कम्प्लीट करने में कम से कम 12 to 13 hours तो लगने वाले हैं. सो डेफिनेटली एक दिन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक दिन में अगर मैं पूरे दिन लेक्चर अटेंड करूँगा तो इतना डाटा भी नहीं है मोबाइल का, मेरे वीडियोज़ भी अपलोड करने होते हैं. सो मेरे को आज सोचा कि सबसे पहले हम जो हमारा जो एनिमल किंगडम है ना, पहले उसको कम्प्लीट कर ही लेते हैं. सबसे फर्स्टली उसको कम्प्लीट कर लेते हैं, जितना हो गया उतना करेंगे. बट थैंक गॉड रात मेरे को रात को ना 12 बज गए थे इसको कम्प्लीट करते करते. बट फाइनली मेरा लेक्चर जो है कम्प्लीट हो चुका था. मैं बहुत खुश थी कि चलो कोई ना, एनिमल किंगडम मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका था प्लस MCQs. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग डील. टुडे वॉज नॉट अ प्रोडक्टिव डे, बिकॉज एक तो सडनली कॉलेज जाना पड़ गया मुझे एंड उसके आते वक्त हम थोड़ा मार्केट भी चले गए थे, कुछ काम था शॉप्स पे. सो इस वजह से वहाँ पे चॉइसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें, तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो गया. बट लेट्स सी, कल से स्टार्ट करेंगे, कल देखते हैं क्या होता है. मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ कि यार मैं थोड़ा अपने जो रूटीन है ना वो चेंज करूँ. एक्चुअली मेरा रूटीन जो मैंने बना रखा है ना, उसमें 14 hours का रूटीन है, जिसमें मैंने 7 hours है ना मेरे, उसको मैंने नैप के लिए भी निकाल रखा है. 2 hours जो है ना मैंने उसको मैंने मतलब शाम के रेस्ट के लिए भी निकाल रखा है एंड 1 to 2 hours मैंने खाने पीने के लिए निकाल रखे हैं. तो आराम से मेरे 14 hours का जो है वो कम्प्लीट हो जाता है. बट अभी नहीं हो पा रही स्टडीज़, बिकॉज दो तीन दिन से क्या हो रहा है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है. मतलब कभी कुछ काम आ जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी सडनली जाना पड़ जाता है, जैसे कि आज ही उनको कॉलेज सडनली जाना पड़ गया. सो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ. बट आई डिसाइड कि मेरे को कंप्लीट तो करना ही है कैसे भी करके. सो थोड़ा अपना एफर्ट ज़्यादा लगाऊंगी. अगर मैं भी कुछ काम आता है तो फिर अपने जो स्लीपिंग आवर्स है उनको थोड़ा कम करके अपना टारगेट कंप्लीट करूँगी मैं भी. बिकॉज कल तो क्या है ना, एक तो मैं कॉलेज गई थी और फिर गाड़ी से नहीं गई थी, मतलब बस से गई थी, तो उसमें आने जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो गई थी और वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी. मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं रात को और लेट तक पढ़ सकूँ, मेरी आँखों में नींद घूम रही थी आप कह सकते हो ऐसा. तो मैंने फिर स्टडी कर ही नहीं, मैं छोड़ो अब जो भी होगा नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं. वैसे भी मेरा जो है एनिमल किंगडम है उसको तो कंप्लीट कर ही लिया है मैंने, तो उतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. सो नेक्स्ट डे का फिर मैंने प्लानर भी बनाया था, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं अपने प्लानर से कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ. और गाइस कमेंट्स करना आप कि आपको पूरा शेड्यूल टाइम मतलब आप प्लानर वाइज चाहिए कि विदाउट प्लानर. लाइक मैं मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करती हूँ, देन इवनिंग में क्या करती हूँ, देन आफ्टरनून में, देन इवनिंग आफ्टरनून एंड नाइट में कैसे स्टडीज़ करती हूँ, मैं कौन सी मेथड अप्लाई करती हूँ, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या है नीट की. अगर आपको जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई एम डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस इन व्लॉग्स एज अ थ्रू ऑफ व्लॉग्स. ओके सो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए. ओके सो आज का दिन थोड़ा बेकार था मेरे लिए, बट कोई ना, कभी कभी होता है. और आप भी बताओ आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, लेक्चर्स हो रहे हैं कि नहीं है, बैकलॉग है कि नहीं. सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैकलॉग का, बिकॉज मैं तो अभी कोई लेक्चर अटेंड कर नहीं रही हूँ, कोई बैच ज्वाइन करने रखा है मैंने, तो बेसिकली मेरा तो कुछ होता नहीं है ऐसा. बट आपका हो सकता है शायद हो.
अगर आप कोई बैच में इनरोल हो सो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आपको हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, ज़रूर बताना कि आपकी कोई बैकलॉग तो नहीं है, कोई क्या स्ट्रेटेजी चल रही है अभी आपकी, कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मेरे को ऑन ऑफलाइन के लिए भी प्लीज़ गाइस सजेस्ट करना, बिकॉज मैं दो में बहुत कंफ्यूज हूँ, एलन एंड आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ है ऑफलाइन की, मेरे को ज्वाइन करना है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, बट मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं आकाश की ज्वाइन करूँ या एलन की ज्वाइन करूँ। सो प्लीज़ अगर आपको मैं किसी ने ले रखी हूँ ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को।